प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को अब इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन पर रहना अनिवार्य किया गया है। बेंगलोर से हिमाचल पहुंचे लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर भी पैनी नजर रखी जाएगी। हमीरपुर के एनजीओ भवन में बेंगलोर से आए हमीरपुर उपमंडल के लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर बाहरी प्रदेशों से आए लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कल रेल के माध्यम से ये ऊना पहुंचे थे और जिला हमीरपुर के लगभग 100 लोग यहां पहुंचे हैं, जिनका हमीरपुर ऊना बॉर्डर पर भी स्वास्थ्य टीम द्वारा निरीक्षण करने के बाद उपमंडल स्तर पर इनको क्वारंटाइन सेंटरों के लिए भेजा गया। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसके लिए उपमंडल स्तर पर विभिन्न संगरोधक केंद्र चिन्हित कर वहां लोगों को रखने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पंचायत स्तर पर 10 से 20 व्यक्तियों की क्षमता के संगरोधक केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 13 मई 2020 और उसके बाद जो भी व्यक्ति रेड जोन से आएगा उसे प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। कर्नाटका से ऊना पहुंचे रेल यात्रियों के लिए भी यही व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी हमीरपुर की देखरेख में 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमारे पास जो कर्नाटका से ट्रेन आ रही है उनके पैसेंजर आएंगे, हमने ऑलरेडी उनके सब डिविजन वाइज डिसाइड कर रखे हैं कहाँ जाने है, किस तरह से उनको रखना है, क्या अरेंजमेंट है, और ये हमारे नेक्स्ट 10-15 में ये फीचर रहेगा तो हम लोग उनको सिस्टम से डील करेंगे। थैंक यू। आज ऑनवर्ड्स जो भी हमारे पास लोग आएंगे, वैसे हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन लोग रख रहे हैं, बट नाउ और सिस्टम इज प्लेस इन टोटली बॉर्डर पे ही हम लोग एंट्री करते हैं, मेडिकल चेकअप करके डाटा एंट्री करके उनको किस इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में जाना है या होम क्वारंटाइन जाना है, इट विल बी डिसाइडेड एट द बॉर्डर स्टाफ अकॉर्डिंग टू कहाँ से वो आ रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग पुलिस के साथ सारा कोऑर्डिनेट करके हमारी टीम बैठी हुई है इसमें कंट्रोल रूम में और सारा तैयार कोऑर्डिनेट आज शाम को भी, और हम लोग कुछ जगह पर जहाँ पॉसिबल है वहाँ कौन लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं विद सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में सीसीटीवी पुट करने का प्लान कर रहे हैं। इस रेस्पेक्ट में मेरी एसडीएम से भी बात हुई है और एसपी साहब से भी हमने डिस्कस किया है किस तरह से हम लोग सिक्योरिटी को और ज़्यादा ऑगमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास बाहर से लोग एक्सपेक्टेड लोग हैं डिफरेंट जगह से, उनका भी हम लोग किस तरह से रेड जोन से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन रखना है, डिफरेंट सब डिविजन में क्या कैपेसिटी क्रिएट करनी है, वो सभी सब डिविजन से हमने अच्छी खासी कैपेसिटी क्रिएट कर ली है। सारे सब डिविजन्स में सारे एसडीएम्स उसमें इंचार्ज होंगे, वो अपने साथ इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन के नोडल ऑफिसर साथ रखेंगे और ये सारा हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कंट्रोल करेंगे। हमने उसके रेस्पेक्ट में भी 2 नोडल ऑफिसर लगाए हैं अंदर, ये जो कंट्रोल रूम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है इनके थ्रू कोऑर्डिनेट करना, फिर हम लोग ये डिसाइड करने कर रहे हैं कि बैरियर पे ही इनका चेकअप हो और बैरियर पे ही एंट्री करके एक सर्टेन फॉर्मेट हमने डिजाइन किया है, कहाँ से आ रहे हैं आपका लोकल एड्रेस कहाँ है, फिर अगर आप रेड जोन से आ रहे हैं तो वहाँ ही आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर है, आपको यहाँ जाना है। और हमने नेक्स्ट एक हफ्ते का पूरा प्लान एसडीएम से ले लिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम पे कि इस क्वारंटाइन सेंटर की कैपेसिटी 100 है तो कितने क्या 100 लोग आज आ रहे हैं या कल एक्सपेक्टेड है, तो एक कनेक्टिविटी रहेगी और जैसे फील होता है नेक्स्ट क्वारंटाइन सेंटर में। वैसे हमने बैकअप के लिए सारी पंचायतों में भी क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं 10 से 20 की कैपेसिटी के, वहाँ भी पूरी तैयारियाँ हैं, बट हम लोग इंश्योर करेंगे कि पहले किसी को भी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर भेजने से पहले वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, बोर्डिंग लॉजिंग का अरेंजमेंट हो, सिक्योरिटी को लेकर अरेंजमेंट हो, उनको जो खाने पीने का अरेंजमेंट हो और जो नोडल ऑफिसर हैं पर्टिकुलर क्वारंटाइन सेंटर के वो सारा लोकल प्रशासन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या सब डिविजन से सबसे कोऑर्डिनेट करके क्या क्या जरूरत है।